हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका प्रियास किचन में। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आ रही है और आज मैं आपके साथ मक्खन जैसे मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही सॉफ्ट तिलगुल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होते हैं फ्रेंड्स, मुंह में डालते ही घुल जाते हैं लड्डू। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनके लड्डू हार्ड बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये लड्डू बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कम टाइम में लड्डू बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूंगी उनके सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो तिलगुल का लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे 300 ग्राम तिल लगने वाले है। 300 ग्राम हमें यहाँ पे गुड़ लगने वाला है और 100 ग्राम मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है फ्रेंड्स, और इसमें हमें तिल को पहले भूनना है। तो तिल को हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो थोड़ी ही देर में चटकने का आवाज आएगा आपको इससे, तो अच्छे से आपको इसको भूनना है। तो तिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तिल गर्म होते हैं, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो तिल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और शरीर में खून की मात्रा को सही बनाए रखने में बहुत ही मददगार होते हैं तिल, इसलिए तिल का सेवन सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। तो अच्छे से हमने तिल को भून लिया है, तो अब हमें एक प्लेट में इसको निकाल लेना है। तो इस तरह से मैं अपने बचे हुए तिल को भी अच्छे से भून लूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब सेम पैन में हमें मूंगफली के जो दाने हैं उसको भी भूनना है। तो मूंगफली को भी हमें अच्छे से धीमी आंच पे भून लेना है फ्रेंड्स। तो मूंगफली में फैटी एसिड पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो मूंगफली का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरह से मूंगफली के दाने को अच्छे से मैंने भून लिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे तिल ठंडे हो चुके हैं और मूंगफली के दाने के मैंने अच्छे से छिलके यहाँ पे निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो। तो अब हमें मूंगफली के दाने को अच्छे से मिक्सी में से पीस लेना है। पहले हम मूंगफली के दाने को तिल और गुड़ के साथ में भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि ये जो मूंगफली के दाने हैं वो मोटे रह जाते हैं और ठीक से पीसते नहीं हैं, इसलिए इसको मैं पहले पीस रही हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं दरदरा सा इसका पाउडर बना लिया है एक। और सेम बर्तन में अब हमें थोड़े से तिल डालने हैं और इसी में हमें मूंगफली का जो पाउडर बनाया है अभी तो वो डालना है। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि मूंगफली के जो दाने हैं वो मोटे नहीं रहते हैं इसमें, और बराबर से अपने लड्डू जो है वो एकदम स्मूथ बनते हैं। और अब हमें इसमें गुड़ डालना है, तो गुड़ को मैंने अच्छे से बारीक कर लिया था। तो गुड़, मूंगफली के दाने की पाउडर और तिल, इनको साथ में अब हमें पीस लेना है मिक्सी में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से, तो अच्छे से हमारा ये पीस चुका है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। और वापस सेम बर्तन में थोड़े से तिल, मूंगफली की पाउडर और गुड़ को भी हमें डालना है, और इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्सी में से पीस लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। तो इस तरह से बारीक हमें इसको पीस लेना है फ्रेंड्स।
तो इसको भी हम निकालेंगे अभी। तो इसी तरह से मेरा जो बचा हुआ तिल, गुड़ और मूंगफली का पाउडर है उसको भी मैं अच्छे से पीस लूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने अपना सारा का सारा तिल गुड़ का जो पाउडर है वो बना लिया है यहाँ पे। और अब हमें इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है, इसमें किसी भी प्रकार का लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स करके अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें अब किसी भी प्रकार का लम्स वगैरह नहीं है। तो अब हमें इसके लड्डू बांधने हैं। तो इस तरह से आपको मतलब जिस साइज़ के लड्डू चाहिए, छोटे बड़े, तो उस तरह से आपको ये जो इसका मिक्सचर है वो हाथ में लेना है और दोनों हाथों से अच्छे से इसको प्रेस करके इसके लड्डू बनाने हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, और 10 से 15 मिनट में हमारे लड्डू बनके रेडी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा लड्डू यहाँ पे बन चुका है, और बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुंह में डालते ही घुल जाता है एकदम। तो एक लड्डू और मैं आपको बना के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से जिस भी शेप का आपको लड्डू चाहिए उस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो दोनों हाथों से अच्छे से इसको बाइंड करना है हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा दूसरा लड्डू भी बनके रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। बहुत सुंदर हमारा लड्डू बना है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं अपने सारे लड्डू बना लूंगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने सारे लड्डू बना लिए हैं, और बहुत ही टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक के सबको पसंद आते हैं। तो मैं आपको एक लड्डू यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ। तो आपको देखने से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि कितने सॉफ्ट हमारे लड्डू बने हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट ये लड्डू बनते हैं फ्रेंड्स। और सबसे मेन बात तो ये है कि इस लड्डू को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में लड्डू बनके रेडी हो जाते हैं। तो इस मकर संक्रांति आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों और अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी उनके सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।